കാബിനറ്റ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒക്കെ മാറാൻ ഉള്ളവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ. श्री राजकुमार सिंह मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। രാജ്കുമാർ സിംഗ് ആണ് അടുത്തതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നത്. ബീഹാറിലെ ആരയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് 68-കാരനായ രാജ്കുമാർ സിംഗ്. നിലവിൽ ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. മുൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.